Hello, my dear student of standard 7th, and today in this session we will continue with our chapter number 9, Administration of the State, and this is the part 2. Well, basically in this part I am going to cover the most important thing, governor and the chief minister. Well, both the person are belonging to the state. Okay, governor kya hota hai, governor state mein uska kya role hota hai, गवर्नमेंट क्या काम करते हैं, गवर्नमेंट के पास कौन से पावर्स हैं, गवर्नमेंट स्टेट के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं, ऑल सच थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन. ओके, सो विदाउट एनी डिले, वाओ मेरा चेहरा ब्लू कर रहा है, गुड. सो लेट्स बिगिन. सो गवर्नर, सो ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द गवर्नर. इंडिया में टोटल देर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज राइट नाउ. सो हर स्टेट का अपना एक गवर्नर होता है. ही और सी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 इयर्स आफ्टर कंसल्टिंग द प्राइम मिनिस्टर. सो प्राइम मिनिस्टर अपनी एक रिपोर्ट भेजते हैं एंड वो रिपोर्ट फिर प्रेसिडेंट साइन करके देन एंड ओनली गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है. एंड गवर्नमेंट का टर्म भी 5 इयर्स के लिए होता है. आगे बढ़ते हैं. द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन हिज हर नेम. ओके, तो जैसे हमने देखा था कि प्रेजिडेंट रियल हेड होता है, सेम वे प्राइम मिनिस्टर सारे पावर इंजॉय करता है, बट रियल हेड प्रेजिडेंट है, बट वो यूनियन सेंट्रल लेवल पे. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट, गवर्नर इज द रियल हेड. ओके, गवर्नर इज द रियल हेड एंड जो सारे पावर्स होते हैं वो सीएम एंजॉय करते हैं. ओके, तो स्टेट में जो भी चल रहा है वो सब कुछ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नर. द गवर्नर एंश्योर डेट द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, स्टेट गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली वर्क करनी चाहिए, उसके खिलाफ नहीं जानी चाहिए. डेट इज वॉट द गवर्नर शुड टेक केयर. द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर आर, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे गवर्नर के. सो लेट्स बिगिन. सी देर आर मैनी पॉइंट्स, सो हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे. ओके, माइट बी पॉसिबल मेरा कोई जो जो वीडियो देख रहा है आगे फ्यूचर में आगे कोई गवर्नर बने, तो अगर आप लोग गवर्नर बनोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि मुझे क्या काम करना है. सो लेट्स सी. इन्वाइट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट. ओके, सो जैसे ही इलेक्शन होता है तो कोई पार्टी जीतती है, तो जो भी मेजोरिटी पार्टी. ओके, तो पहले मैं एक बार ये जरा मार्कर ले लूँ तो आपको मैं थोड़ा अच्छे से हाईलाइट कर पाऊँगा. ओके, सो यहाँ पे जो वर्ड था डेट इज़ द मेजोरिटी. मेजोरिटी वो पार्टी होती है जो इलेक्शन जीतती है एंड उसके लीडर को वो इन्विटेशन भेजते हैं कि आइए और गवर्नमेंट बनाइए. ओके, सो मेजोरिटी पार्टी आपको क्लियर. आगे बढ़ते हैं. एडमिनिस्टर द ओथ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सीक्रेसी, यानी उनसे प्लेस ओथ दिलवाई जाती है. ओके, आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक बार प्लेस लिया था, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर को साक्षी मान के, ये आपने वर्डिंग सुने हुए होंगे. सो ऐसे ही जो ओथ है वो हमारे सीएम भी लेते हैं, चीफ मिनिस्टर. सीएम के साथ साथ जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टीम होती है उनको भी ये ओथ लेनी पड़ती है. ये सारा काम गवर्नर के अंडर में होता है. थर्ड पॉइंट पे आते हैं, समवेयर ओवर हियर. कॉल द लेजिस्लेटिव असेंबली इन सेशन एंड ऑल्सो अनाउंस इट एडजॉर्नमेंट. ओके, सो जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे ही स्टेट के अंदर विधानसभा एंड विधान परिषद भी हो सकता है. विधानसभा तो सब जगह होता है बट कुछ सिलेक्टिव स्टेट में विधान परिषद है, वो हम लोग आके देखेंगे ये क्यों होता है. बट जब भी उसकी शुरुआत करनी होती है एंड या जब भी उसको विड्रॉन करना होता है, एडजॉर्नमेंट का मतलब टू विड्रॉन, तो वो सारा काम गवर्नर के अंडर में ही होता है. ओके, चलो अब हम लोग और आगे चलते हैं. नाउ एवरी बिल पास बाई द स्टेट लेजिस्लेटिव हैज़ टू रिसीव द गवर्नर एसेंट. हाउ एवर मनी बिल रिक्वायर हिज प्रायर अप्रूवल. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब भी कोई स्टेट के लिए नया कानून बनता है ना, तो उसमें
गवर्नर का सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पे गवर्नर एसेंट, एसेंट मतलब उसकी उनकी हाँ होनी चाहिए एक तरह से, और मनी बिल की भी मतलब पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है। ओके सो अब हम लोग ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, अ बिल अंडरगो थ्री रीडिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर इट पास्ट। फॉलोइंग दिस इट इज सेंट टू द गवर्नर बिफोर इट बिकम्स द लॉ। सी, जब भी कोई नया कानून बनता है ना तो उसकी 3 टाइम्स रीडिंग होती है। 3 बार उठ के पढ़ते नहीं है वो लोग, बट 3 रीडिंग्स। जैसे कि पहले तो वो कानून क्यों बनाया गया है, फिर कानून के फिर इम्पोर्टेंट सेक्शंस डिस्कस किए जाते हैं, और ओवरऑल फिर एक बार पूरे तरीके से कानून को आफ्टर सम चेंजेस एंड एडजस्टमेंट उसको फिर से रीड आउट किया जाता है। तो वो 3 रीडिंग्स हो गया है। अब वो पहले वो बिल होता है, एंड देन व्हेन इट पास ऑन फ्रॉम द विधानसभा, एंड देन जब गवर्नर उसको साइन करेंगे तभी वो लॉ बन सकता है। तो जैसे सेंट्रल में प्रेसिडेंट के सिग्नेचर बिना कोई कानून नहीं बन सकता, सेम वे स्टेट में भी कोई भी कानून नहीं बन सकता अनलेस एंड अनटिल जब तक गवर्नर अपना साइन ना करे। ओके, अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं। ओह, बहुत बड़ी लाइन चली गई, थोड़ी छोटी कर देते हैं। इफ अ बिल इज नॉट साइंड बाय द गवर्नर एंड इज सेंट बैक टू द विधानसभा विद हिज सजेशन, देन एमएलए हैव द डिबेट ऑन हिज सजेशन। सो विधानसभा में अगर गवर्नर साइन नहीं करते हैं, गवर्नर ने मतलब ऐसे ही पूरा बिल देखा, लॉस पड़े, उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें सही नहीं है, तो वो विदाउट साइन बोल सकते हैं कि नहीं इसमें ये चेंजेस करो तब मैं पास ऑन करूँगा। तो वो डिबेट्स होते हैं, डिबेट्स मतलब कुछ लोग हाँ कहेंगे कुछ लोग ना कहेंगे, हाँ क्यों कह रहे हो ना क्यों कह रहे हो, डिस्कशन होता है एंड ऑल डेट, डेट इज कॉल्ड द डिबेट। बाकी न्यूज़ चैनल पे डिबेट्स हो तो बहुत डेंजरस आते हैं, जहाँ कोई किसी की कुछ सुनता नहीं है, बस बोले ही जा रहे हैं बोले ही जा रहे हैं। एनी हाउ, सो अब जो वापस बिल वापस से चेंज होके आता है, डेट इज कॉल्ड द रिवाइज बिल इज सेंट बैक टू द गवर्नर फॉर हिज सिग्नेचर, एंड तब गवर्नर उसको साइन करते हैं अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट पे आ गए हम लोग। आई एम सॉरी फॉर डैट। इन एन एमरजेंसी द गवर्नर कैन इशू ऑर्डर्स कॉल्ड ऑर्डिनेंस। से फॉर एग्जाम्पल स्टेट में एमरजेंसी लगती है, तो स्टेट में एमरजेंसी देर आर माइट बी सम इशूज, एंड जब भी गवर्नर कोई ऑर्डर पास ऑन करते हैं तो उसको हम लोग ऑर्डिनेंस कहेंगे। अगर एग्जाम में आ गया व्हाट इज ऑर्डिनेंस, तो कोई आधे स्टूडेंटों को टेंशन हो जाएगा, बट आपको सिर्फ ये एक लाइन ही लिखनी है, इन एन एमरजेंसी द गवर्नर कैन इशू ऑर्डर्स कॉल्ड ऑर्डिनेंस, डेट्स इट, हो गया। और कोई एग्जाम्पल भी देने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन लिखो और आपके मार्क्स पॉकेट में। ओके, सेकेंड लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अपॉइंटमेंट द जज ऑफ ऑल द कोर्ट्स डेट वर्क अंडर द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से नीचे जितने भी कोर्ट आते हैं ना, उन सबके जजेस का अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करते हैं, है ना, ये तो आपको पता भी नहीं होगा। एनी हाउ, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। इन्फॉर्म द प्रेजिडेंट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आप लोग टीचर्स को रोज़ होमवर्क देते हो, वैसे ही गवर्नर भी टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को सेंड करते हैं। ओके, सो अगेन इतने सारे पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में आप ये शो करोगे कि मेजोरिटी के लीडर्स को हम लोग यहाँ पे इनवाइट करेंगे। ओके, सेकंड ऑथ ऑफ लॉयल्टी दिलवानी पड़ती है। थर्ड सेशन को वो कॉल कर सकते हैं एंड एडजोन भी कर सकते हैं। वेल, जो भी बिल पास होगा वो गवर्नर की एसेंट से ही होगा, और मनी बिल के लिए ट्रायल अप्रूवल लेना पड़ता है। बिल की 3 टाइम रीडिंग होती है असेंबली में, और अगर वो साइन करेंगे तो ही वो लॉ बनेगा। ओके, एंड इन डेट अगर बिल साइन नहीं करते हैं गवर्नर, तो आप इसे विधानसभा में जाएगा विद सजेशन, उनको सजेशन लिखना पड़ेगा कि मैं क्यों साइन नहीं कर रहा हूँ। ओके, एंड देन वो एमएलए, एमएलए मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो डिस्कशन करेंगे डिबेट करेंगे, वापस से रिवाइज बिल आएगा, एंड वो बाद में रिवाइज बिल को साइन कर देंगे, तो वो लॉ यानी कानून बन जाएगा। एमरजेंसी के टाइम पे जो वो ऑर्डर इशू करते हैं उसे हम कहेंगे ऑर्डिनेंस। ओके, एंड आफ्टर डैट वो प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्टिंग भी करेंगे। एंड आई एम सॉरी, मैं सेकेंड लास्ट पॉइंट भूल गया। हाई कोर्ट से नीचे के जितने भी जजेस होते हैं उन सभी का अपॉइंटमेंट भी यूजुअली गवर्नर ही करते हैं। डन,
आई होप गवर्नर के बारे में सारा आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ओके सो आगे बढ़ते हैं। वेल, स्टेट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर, सीएम। ओके सो अब हम लोग सीएम पे चलते हैं। वेल, सीएम के बारे में रीड करने से पहले आई विल सजेस्ट कि आप लोग नायक मूवी जरूर देखो, अनिल कपूर की है। वेल, वो मूवी में दिखाया गया है कि सीएम क्या होता है ना। उसमें मतलब अनिल कपूर ऐसे ही एक रिपोर्टर बनता है, एंड इन डेट वी चैलेंज द सीएम कि मतलब वो उसकी हवा निकाल देता है, तो सीएम कंटाल के उसको चैलेंज देता है, तू एक दिन सीएम बन के तो देख, तेरे को मालूम पड़ेगा क्या क्या होता है। तो वो एक दिन में सीएम बन के कुछ इतने सारे काम कर देता है कि पब्लिक उसको सच में लाइक करने लगती है। एंड मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि फिर वो रियल में सीएम बन जाता है, एंड सीएम बन के वो क्या क्या करता है वो सब कुछ आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। देख लिए? वेल एंड गुड, नहीं देखिए तो जाके जरूर देखना, है ना। ऐसे अभी आपके पास अभी ज़रा फ्री टाइम है, अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करें तो, बहुत अच्छी मूवी है, वन मस्ट सी। तो सीएम की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर से कहते हैं हम लोग शॉर्ट में, लेकिन चीफ मिनिस्टर बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो सीएम शॉर्ट फॉर्म है, जैसे पीएम प्राइम मिनिस्टर के लिए शॉर्ट फॉर्म है। द सीएम इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है उसको हम लोग सीएम कहेंगे। ही और सी इज ऑल्सो कॉल्ड द सीएम। अच्छा है आप ये लिखा, वरना हमको तो कुछ पता ही नहीं था। द फंक्शन ऑफ द सीएम आर, हाँ ये काम का है। अब आप लोग ना बिल्कुल अलर्ट मोड में आ जाओ, अब कोई मजाक मस्ती नहीं। सी, आप में से बहुत सारे लोग आई विश की सीएम बनो, तो आपको क्या क्या काम करने। वेल, मूवी देखोगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा, बट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अलोटिंग वेरियस पोर्टफोलियोज टू द डिफरेंट मिनिस्टर फॉर देयर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। पोर्टफोलियो क्या होता है? सी, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी स्टेट के। फाइनेंस यानी पैसे का डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन का मिनिस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गई, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का मिनिस्टर होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो अपने अलग अलग मिनिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लुकिंग एट देयर क्वालिफिकेशन, उनके अंदर कितने एफिशिएंसी है, कितने इफेक्टिवली वो काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही सीएम करते हैं। अगर सीएम के जो मिनिस्टर्स हैं बहुत अगर अच्छे हैं तो अल्टीमेट बेनिफिट सारा सीएम को ही मिलता है। ओके सेकेंड, कॉलिंग फॉर मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट रेगुलर इंटरवल। से फॉर एग्जाम्पल, अभी कोरोना क्राइसिस चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, सो आई थिंक अभी चीफ मिनिस्टर की हर रोज़ किससे मीटिंग होती होगी, इमेजिन करो। हेल्थ मिनिस्टर से, बराबर ना, जो मतलब पूरे स्टेट की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो चेक करेंगे कि आज इतनी डेथ हुई, इतने केसेज आए, क्यों उस एरिया से पर्टिकुलरली ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। तो सीएम उनकी मतलब टाइम टू टाइम मीटिंग लेते ही रहते हैं, है ना। अभी चलो ये ठीक है, बट मीट उनके साथ मीटिंग्स होती है क्या, मतलब स्टेट में सब कुछ प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑल सच ऑफ थिंग मॉनिटर करना पड़ता है। ओके पॉइंट नंबर थ्री, सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एवरी मिनिस्टर एंड गाइडिंग देम, है ना। उनको इवन काम में तो हेल्प करते ही हैं, पर उनको कैसे काम करना चाहिए गाइडेंस ही प्रोवाइड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खुद प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, इवन हमारे पास भी आइडिया नहीं होते हैं, आइडिया होते हैं लेकिन उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं होते हैं, बट कोई दूसरा पर्सन आके अगर हमको बताता है तो हमको अच्छे से स्ट्राइक होता है। एंड सीएम ऑफकोर्स वो पर्सन, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इन्फॉर्मिंग द गवर्नर अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। से फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कि इशू हुआ था कि अब से नो वीडियो लेक्चर फॉर प्राइवेट टीचर्स, तो ऐसा उन्होंने बयान दिया, तो इवन गवर्नर को वो अपना डिसीजन सारे रिपोर्टिंग करते हैं, क्यों उन्होंने ये डिसीजन लिया, उसके पीछे के रीजंस क्या है। ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं ले सकते ना, क्योंकि डेमोक्रेसी है, आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मिंग अ न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ नेसेसरी। अगर उनको लग रहा है कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर ठीक से वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो सीएम के पास पावर होता है टू चेंज हिम और हर, जो भी है। सो जरूरत पड़ने पे वो अपना कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर चेंजेस करते रहते हैं। सो आपको सीएम के ये पांच
फंक्शंस याद रखने हैं कि वो क्या काम करते हैं। पहला तो वो स्टेट को इफेक्टिवली चलाने के लिए पोर्टफोलियो यानी अलग अलग मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रेगुलर मीटिंग कंडक्ट करते रहते हैं, जहाँ पे वो मिनिस्टर्स को बुलाते हैं और उनको क्या करंट सिनारियो है, क्या करंट पिक्चर है, उसे डिस्कशन करते हैं। और इवन कई बार उनको गाइडेंस भी देते हैं, जो हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा। पॉइंट नंबर 4, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेते हैं उसकी रिपोर्टिंग उनको गवर्नर को भी इन्फॉर्म करनी पड़ती है ना। ऐसे कोई डिसीजन नहीं ले सकते ना, डेमोक्रेसी आफ्टर ऑल। एंड फर्स्ट एंड फिफ्थ में अगर सीएम को लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो वो उनको अपनी पोजीशन से हटा भी सकते हैं, है ना। नीचे आ जाते हैं। ओके, सो हियर इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रेम पॉलिसी फॉर अलॉटेड सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटेड। अभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, ये अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ मिनिस्टर ने कुछ गाइडलाइंस इशू कर दी, से फॉर एग्जाम्पल कि अब से जो भी इंसान हॉस्पिटल के अंदर एंटर होता है उसके मुंह पे मास्क कंपलसरी होना चाहिए। अगर वो मास्क नहीं पहनेगा तो उसको प्रीमाइसिस में एंट्री नहीं मिलेगी, जो अच्छी बात है बराबर। और उसको इम्प्लीमेंट करवाना, वो अपने मिनिस्टर्स को समझाते हैं, उनके अंडर में जो आते हैं, और लास्ट में जो उस सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल के जो मेन मैनेजमेंट है उनको वो बताते हैं। एंड तब जाके कोई भी मतलब पॉलिसीज इस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है, एग्जीक्यूट की जाती है। एग्जीक्यूट करना मतलब जो चीज़ हम लोगों ने डिसाइड की उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसको लागू करवाना। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। अब कोई भी नया कानून बनाना है ना, तो पहले वो लॉ नहीं होता है, उसको हम लोग पहले बिल कहेंगे। ओके, अब वो बिल पार्लियामेंट में आता है, नॉट पार्लियामेंट, विधानसभा में आता है। विधानसभा में उसकी 3 रीडिंग्स होती हैं। 3 रीडिंग्स के बाद वो गवर्नर के पास साइन के लिए जाता है, एंड गवर्नर साइन करे तब जाके वो लॉ बनता है ना, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंट्रोड्यूस द बजट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पहली बात तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर एक तरह का वो इंसान होता है जो सारा कितना हम लोगों ने एक्सपेंस किया पूरे स्टेट का, इवन पूरे स्टेट ने कितनी इनकम जनरेट की। अब उनको लगता है एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वो इनकम भी बढ़ाने की सोचेंगे ना, तो उसके लिए नए नए टैक्सेस लगाएंगे। तो ये सब काम सारे फाइनेंस मिनिस्टर के होते हैं। फिर एक और वर्ड था बजट। बजट क्या होता है? सी, हमारा सिस्टम जो है ना वो प्लानिंग बेस्ड चलता है। प्लानिंग बेस्ड मतलब, से फॉर एग्जाम्पल अभी मोटेरा में एक स्टेडियम बनाए क्रिकेट का, ओके, ट्रम्प आए थे ना। अब पहले मतलब गवर्नमेंट को वो स्टेडियम बनाने के लिए बजट पास करवाना पड़ा कि भाई इतने इतनी अमाउंट चाहिए। जैसे हम लोग करते हैं ना, से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ज़मीन का टुकड़ा, एक पीस ऑफ लैंड परचेस किया है। अब ये मैंने क्या किया, मैंने 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया। एक कॉन्ट्रैक्टर आया एकदम फुल देसी वेसी स्टाइल में, तुम्हारे कितना मोटो मकान जोइए बराबर, और हो गया शुरू। एंड सब कुछ डिसाइड करने के बाद उसने बोला कि 20 लाख रुपीज़ लगेगा। मैं ओके, हम लोग थोड़ा और 2 दिन कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या, फिर आपको कॉल बैक करेंगे। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आता है एंड वो थोड़ा सा बोलता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वो 25 लाख लगेगा, मटेरियल भी अच्छा होगा एंड ये भी होगा। फिर हमको लगा कि हम थोड़ा प्रोफेशनली किया जाए, तो मैंने किसी ऐसे ही कंस्ट्रक्टिंग कंपनी से कॉल किया। उनके मतलब बंदे आए, उन्होंने लैपटॉप पे मुझे 8-10 घर दिखाए विजुअल्स में कि आपका घर ऐसा होगा, ये यहाँ पे इतना होगा। उन्होंने पहले मुझसे मेरी जगह की जगह पूछी, सब बताया कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। एंड इसके बाद उन लोगों ने सब कुछ मुझे बताया एंड उन्होंने कुछ 30 लाख रुपीज़ कहे। पर मुझे उनका कॉन्ट्रैक्ट परफेक्ट लगा, इवन मैंने मटेरियल की भी बात कर ली सब कुछ, तो डिसाइड हो गया 30 लाख। इस डेट को इतने बजे मैं इतने इतनी पेमेंट कर दूंगा, डेट शीट। तो ये बजट होता है, मतलब एक्चुअल चीज़ बनी नहीं है, उससे पहले ही हम लोग उसकी प्लानिंग कर लेते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है, स्टेडियम का ही बजट होगा। स्टेडियम अब
बजट प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंडिंग, बराबर ना? आगे बढ़ते हैं एंड वो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको पेश करना होता है कि इस साल हम लोग ये कानून लाने की सोच रहे हैं, इनकम टैक्स हम लोग इतना बढ़ा देंगे, इसमें टैक्सेस कम कर देंगे, उसमें टैक्सेस बढ़ा देंगे, जो भी है वो सारा फाइनेंस मिनिस्टर को देखना होता है। वेल, यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कैबिनेट? डिपेंड करता है, यूजुअली तो 5 ईयर्स ही होता है। हाउ आर द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिनिस्ट्री, वाई? तो जो मिनिस्टर होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट को लेके रिस्पॉन्सिबल ही होंगे, है ना? आप जैसे एक स्टूडेंट होता है, वो स्टूडेंट अपने होमवर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बाजू वाले के होमवर्क के लिए वो क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा? व्हाट विल हैपन इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट द मिनिस्टर और द एंटायर काउंसिल? अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, इसके लिए आपको कुछ नंबर समझने पड़ेंगे। वेल, नंबर ऐसे हैं कि सपोज कर लो कि गुजरात में अभी 182 सीट्स हैं, सपोज नहीं करना है, एक्चुअल में है ही। बीजेपी के 99 मेंबर्स हैं, एक्चुअली गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 92 सीट चाहिए, बट उनके पास 99 सीट्स हैं तो इसलिए वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। कांग्रेस के पास 80 स्टूडेंट, बाकी सब अदर्स 80 मेंबर्स हैं। अब मान लो कि 20 मेंबर्स वो रिजाइन कर देते हैं कि भाई हमको अब बीजेपी में नहीं रहना, तो वो 20 सीट्स पे इलेक्शन होगा। अब वो इलेक्शन होगा बीच में, तो वो 20 की 20 सीट्स पे कांग्रेस जीत गई। सो कांग्रेस के नंबर सब कितने हो गए? 80 प्लस 20 100 हो गए, और बीजेपी के 99 माइनस 20 79 हो गए। तो फिर कांग्रेस पार्टी बोले, कांग्रेस पार्टी सीधी गवर्नर को लेटर लिखेगी और जो विधानसभा होगा उसमें नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाएगी, दैट बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उनके पास नंबर्स नहीं है गवर्नमेंट चलाने के लिए, 92 मेंबर्स नहीं है, तो बीजेपी प्रूव कर ही नहीं पाएगी और उनकी गवर्नमेंट फॉल हो जाएगी एंड फिर वो हो जाए। अभी रिसेंटली ये महाराष्ट्र में हुआ है। ओके, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देयर मिनिस्ट्री। वेल, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, यू कैन सर्च इट ऑफ। वेल, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारे आगे वाले सेशन में आने वाला है। द वर्क इज टू बी डन डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। सी, हमारे बहुत सारे वर्क हैं, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए, और कुछ काम ऐसे हैं जो दोनों गवर्नमेंट मिलकर करती हैं, बराबर। और द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट लेवल एंड द यूनियन गवर्नमेंट फंक्शन एट द नेशनल लेवल। कैसे वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो क्यों किया गया? वेल, ऑल दैट आर गोइंग आई एम गोइंग टू कवर इन माई थर्ड पार्ट। वेल, आई होप आपको आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।